सो पठान मूवी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मैंने सोचा कि एक लोगो का ट्यूटोरियल दे देते हैं अपने एंड्रॉइड फोन की हेल्प से। तो मेरी ये बात उतना ही सेंस बनाती है जितना कि पठान मूवी को बायकॉट करने का रीजन। तो फिलहाल उस टॉपिक पर ना जाकर बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो मैं कह रहा था कि पठान मूवी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया में कि आने वाली मूवीज हो, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, वो सभी साइड हो चुकी हैं। एंड इन्हीं में से एक मूवी है जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में ड्रॉप हुआ है एंड शायद ही आप लोगों ने उसको नोटिस किया हो, जो कि इसके व्यूज को देखकर साफ पता चल रहा है। खैर, तो मैं बात कर रहा हूँ शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड के ट्रेलर की, जो कि सेकंड ट्रेलर है शायद एंड ये अभी हाल ही में आया है। अब देखो, मुझे नहीं पता डीसी के तुम कितने बड़े फैन हो, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आती है डीसी की मूवीज, क्योंकि जो उनकी डार्क वाइब होती है वो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, तो चलो इसी बात पर बनाते हैं शज़ाम 2 यानी कि फ्यूरी ऑफ द गॉड का एक पोस्टर एंड ऑब्वियसली इसको हम बनाने वाले हैं अपने मोबाइल पर। सो लेट्स स्टार्ट इट। मच्छर हट। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पोस्टर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी सबसे पहले कुछ सामग्री और जिनको हम डाउनलोड करने वाले हैं गूगल से। वाह, सो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। तो भाई शज़ाम का पोस्टर बना रहे, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक शज़ाम की PNG। तो हम अपना ब्राउजर ओपन करते हैं सबसे पहले एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं शज़ाम PNG। तो हमारे सामने काफी सारे रिजल्ट आ गए हैं, तो चलो हम फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं शज़ाम की कुछ PNGs। तो हमारे पास कैरेक्टर की कुछ PNG तो आ चुकी थी, लेकिन हमें कुछ आइडिया भी चाहिए था कि इस कैरेक्टर को कहाँ पर रखें एंड कैसा एनवायरनमेंट बनाएं। मैंने सोचा इसको एक शज़ाम पोस्टर की तरह नहीं बनाते हैं, थोड़ा इसको डिस्ट्रक्शन वाला थीम देते हैं एंड बैकग्राउंड का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा डार्क वाइब देकर बनाते हैं, और थोड़ा ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ शहर में कुछ तबाही मची हुई है। सो लेट्स सी हमें बैकग्राउंड के लिए क्या मिलता है। तो यहाँ पर अगेन मैंने सर्च किया डिस्ट्रक्शन। एक मिनट, डिस्ट्रक्शन बैकग्राउंड्स। अब देखो मेरे सामने रिजल्ट तो काफी ज्यादा आ चुके थे, लेकिन यार मेरे को चाहिए था मेरे कैरेक्टर के पोज के अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड। लाइक मेरा कैरेक्टर देखो ये है एंड अगर मैं इसको ढंग से दिखाऊं, एक मिनट, तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये सीधा खड़ा हुआ है एंड इसके नीचे एक बेस चाहिए एंड इसके बैकग्राउंड में लगना चाहिए कि हाँ कुछ असली सा है एंड कुछ रियल सा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कैरेक्टर को उठाकर इस बिल्डिंग के ऊपर पुट कर दूं, इस वाली बिल्डिंग के ऊपर, या फिर यहाँ पर कहीं हवा में लगा दूं इनमें से किसी बैकग्राउंड में, तो बहुत ही अजीब एंड अनरियलिस्टिक लगेगा। तो ये चीज़ें मैंने दिमाग में ही एनालाइज कर ली थी कि इसके लिए कैसा बैकग्राउंड चाहिए रहेगा, तो मैं वैसा बैकग्राउंड कुछ डाउनलोड कर लेता हूं। ड्रामा। अब देखो मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं जो सारे स्टेप्स डाउनलोड कर रहा हूं ये कुछ फ्री हैं एंड कुछ फ्री नहीं भी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना एक बार, क्योंकि यार अगर आप इनको पर्सनल यूज़ के लिए या फिर ऐसा ही सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज अगर आप इनको सेल करने के पर्पज़ से यूज़ करते हो तो ये आपकी अड्डा का भाई, अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है क्या नहीं। समझ गया। सो अब देखो पोस्टर में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं, तो उन सबको मैं डाउनलोड करके एंड चलता हूँ अपने आईबीस पेंट एक्स पर। तो सबसे पहले आईबीस पेंट एक्स ओपन करके हम एक परफेक्ट साइज लेंगे अपने पोस्टर के लिए एंड उसे पूरा ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। देन उसके बाद हम एक बैकग्राउंड लेंगे जो कि अभी के लिए टेम्परेरी रहेगा। देन उसके बाद इंपोर्ट करते हैं अपने कैरेक्टर को एंड फिर उसके बाद जो मूवी का टाइटल है, जो मूवी का लोगो है, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखो सारी चीज़ें तो इंपोर्ट कर ली, लेकिन कैरेक्टर के नीचे जो बेस है उसको भाई कैरेक्टर से कनेक्ट करने के लिए हमें उसके पैरों पर शैडो डालनी होगी जो कि बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। तो हम शैडो बना लेते हैं एंड शैडो बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है एयर ब्रश का एंड उसको मैंने 2-3 बार टैप किया। देन उसको पर्सपेक्टिव फॉर्म में जाकर एक साइड से छोटा किया ताकि जो हमारा शैडो के लिए ब्लैक कलर है वो एक साइड एकदम फेडेड रहे एंड दूसरी तरफ एकदम हार्श एंड हार्ड हो जाए। एंड इसके बाद मैंने इसको कैरेक्टर के पैरों के जस्ट नीचे रखा एंड लाइट के ठीक अपोजिट रखा, क्योंकि शैडो तो भाई हमेशा लाइट के अपोजिट ही बनती है एंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा लुक आ जाता है। अब देखो शैडो को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि जो कैरेक्टर का पैर है, मतलब जो नीचे का साइड है उसका, उसको आप सेलेक्ट पिक्सल करके उस पर आप ब्लैक कलर कर दो, देन उसको ब्लर करके
उसको बैक साइड में ले जाओ एंड थोड़ा सा एक्स वाई डायरेक्शन में आप उसको मूव कर सकते हो लाइट के अकॉर्डिंग, कि मतलब लाइट के अपोजिट ही करना है, लाइट की तरफ मत कर देना वरना काफी ज्यादा नॉनसेंस सा लगेगा। अब देखो ये चीज अगर आप यहाँ पर सीख गए तो आप ये किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हो किसी प्रोडक्ट का, या फिर आप कोई मूवी का पोस्टर बना रहे हो, मतलब कहीं पर भी आप अगर शैडो बना रहे हो तो वहां पर इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो, तो बहुत ही रियलिस्टिक शैडो बन जाती है। और फिर मोबाइल में बना रहे हो तो इससे ज्यादा आप कर ही क्या सकते हो। अब देखो मैंने शैडो तो बना ली, लेकिन मुझे कई तरह के बैकग्राउंड्स लगाने पड़े, ट्राई करना पड़ा कौन सा बैकग्राउंड अच्छा है कौन सा बैकग्राउंड नहीं अच्छा है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड ट्राई किए, एंड पहले मैं बता दूं कि ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं था, एंड ये मैंने जस्ट बनाया था, ये उसी टाइम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। सो काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कई तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप कुछ नई डिज़ाइन बना सकते हो। बट फाइनली जाके मैंने एक बैकग्राउंड चूज़ किया एंड उसको मैंने फिट किया, एंड उसके बाद मैंने बाकी सारी चीज़ें बनाई। अब देखो बैकग्राउंड तो मैंने चूज़ कर लिया था, एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो मेरा कैरेक्टर भी डार्क होना चाहिए, तो जो मेरा कैरेक्टर का जो कलर था सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, तो मैंने उसको थोड़ा डाउन किया एंड बैकग्राउंड से मैच करने का ट्राई किया, तो वो एडजस्टमेंट में आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट कलर थीम पर है तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा, इसलिए या तो आप बैकग्राउंड का जो कलर है वो ब्राइट कर दो एंड काफ़ी फंकी बना दो, या फिर आपका जो कैरेक्टर या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको आप बैकग्राउंड के हिसाब से मैच कर दो। अब बचा था ऊपर का हिस्सा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मोकी एंड मेरे को डार्क बनाना था, जिससे कि एक एपोकलिप्स वाली थीम बन सकती थी पूरे एनवायरनमेंट में। तो इसके लिए मैंने कई क्लाउड स्टफ एंड उसके साथ साथ कई डार्क स्मोक का भी यूज़ किया एंड उन सबको अच्छे से एयर ब्रश से मैंने आपस में मिक्स किया एंड थोड़ा सा कलर भी एडजस्टमेंट किया ताकि बिल्कुल से मैच कर जाए जो हमारा बैकग्राउंड था। तो इतना सब करने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई शज़ाम ऐसा ही तो नहीं रह सकता है, तो मैंने क्या किया कि जो उसका चेस्ट है, चेस्ट पे जो उसका लाइटनिंग का लोगो है, कि मतलब उस लाइटनिंग के लोगो से एक रेज निकलेगी जो कि भाई बिल्कुल आसमान तक जाएगी, वो वाली चीज मैंने करने का ट्राई किया। अच्छा बंटी तो चूतिया है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले उस लाइटनिंग के लोगो के ऊपर एक येलो कलर की ओवरले बनाई एंड उसकी एक डुप्लीकेट करके सेकंड वाली लेयर पर मैंने रेज इफेक्ट से, गॉड रेज करके एक इफेक्ट होता है आइबिस पेंटेक्स पर, मैंने उसका यूज किया एंड उस पर एक रेज बनाई वो भी येलो कलर की, एंड उसमें भी काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे एक सही रिजल्ट मिला जो कि मेरे को लग रहा था कि ठीक है, बाकी आप लोग बताना कैसा बना है आगे। अब देखो ये ज्यादा ही येलोइश लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि उसी को डुप्लीकेट करके मैंने उसका कलर चेंज कर दिया एंड उसको रेड कर दिया, देन उसके बाद मैंने उसको ओवरले कर दिया। तो इससे हुआ है कि जो कॉर्नर्स थे, मतलब जो साइड्स होती हैं ऑब्जेक्ट की, उस पर रेड कलर की थीम आ चुकी थी एंड काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि जैसे रेड एंड येलो का मिक्सचर है वो रेज, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था मेरे को एंड वो कैरेक्टर एंड जो कलर थीम है वो सारी मैच कर रही थी। अब देखो रेज बनाने के बाद मेरे सामने एक और प्रॉब्लम आ गई, वो ये थी कि जैसे ही मैंने भाई रेज को कलर डॉज, लीनियर डॉज, जो भी ब्लेंडिंग मोड थे उनको यूज़ किया, तो जो बैकग्राउंड के क्लाउड्स थे उनका भी कलर चेंज हो गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। तूने बनाया है क्यों? तो मैंने क्या किया कि रेज वाली लेयर के सेलेक्ट पिक्सल किए एंड बैकग्राउंड में जो क्लाउड्स थे उतने ही पिक्सल से उनको एडजस्ट किया, उनके कलर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को मैंने एडजस्ट किया उतने पिक्सल से जितने मेरे रेज में थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड अगर नहीं समझ में आया तो देख लो मैंने कैसे किया है। फिर थोड़ा और डार्क एंड ब्लू सा लुक देने के लिए मैंने पूरे प्रोजेक्ट पर एक ब्लेंडिंग लेयर डाली, जिसका मैंने कलर रखा डार्क ब्लू एंड उसके साथ साथ मैंने उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो लाइटन कर दिया। इससे होता है कि जो ब्लेंडिंग लेयर का कलर है वो सिर्फ शेडोज पर जाता है। अब देखो शज़ाम का पोस्टर तो उसमें लाइटनिंग होना बहुत ही कंपलसरी है, तो मैंने सोचा है काफी ज्यादा इजी होगा, बस एक पीएनजी तो लेना है लाइटनिंग का एंड उसको जाकर स्क्रीन कर देना है, लेकिन नहीं, ये इतना ज्यादा इजी नहीं था। मैंने कई तरह से ट्राई किया है, काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था, मैंने उसके चेस्ट पे जो लाइटनिंग लोगो है वहां से भी कुछ लाइटनिंग थंडर टाइप का निकालने का ट्राई किया, लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इन लाइटनिंग्स को यूज करते हैं कैमरा ब्लर के तौर पे। अब देखो इस चीज को मैं बहुत ही प्रोफेशनली तो नहीं जानता, लेकिन मेरे को पता है कि ये चीज कैसे काम करती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरे से किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हो जो कि आपसे थोड़ी दूर पर खड़ा है एंड आप बिल्कुल कैमरे के पास में लाके थोड़ा साइड करके कोई चीज रख देते हो एंड फिर एक फोटो क्लिक करते हो, तो होता ये है कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है जो कि थोड़ी दूरी पर है वो तो अच्छे से आता ही आता है, बट जो चीज आपने कैमरे के एकदम पास में रखी वो ब्लर आती है एंड वो बहुत ही सही लगता है, कि मतलब जो पास में रखा वो एकदम ब्लर हो गया एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। इसको भाई सिनेमेटोग्राफी में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये चीज मैंने ट्राई की एंड जो लाइटनिंग है उसको मैंने ब्लर करके काफी ज्यादा बड़ा कर दिया, तो वो वैसा ही लुक दे रहा था। फिर उसके बाद जो मूवी का लोगो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, फिर उसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा ग्लो डाला एंड फाइनली मेरे पास ये रिजल्ट निकल कर आया। अभी भी मुझे इसके कलर्स अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, इसको ले गया लाइट रूम में एंड वहां पर मैंने इसमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट की कलर्स के साथ में एंड फाइनली मेरे पास ये रिजल्ट आया। तो देखो इस पोस्टर को बनाने मुझे कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे हैं,
पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक, बट बनाने में मजा आ गया। तो आप भी ऐसे कुछ ट्राई कर सकते हो। एंड मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था कि भाई आपको एक एक्सपीरियंस दे सकूं, ना कि एक ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल तो मैंने बहुत सारे दिए हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा था कि भाई थोड़ा अलग टाइप का वीडियो बनाते हैं एंड थोड़ा अलग तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो अगली बार से मैं इसी टाइप का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सभी लोग को पता है कि आईबी स्पेन टैक्स के टूल्स कैसे चलाए जाते हैं। तो बस आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने की ज़रूरत है एंड आप एक मस्त सी आर्ट बना लोगे। एंड नहीं समझ में आता है तो मैंने बेसिक ट्यूटोरियल्स भी दिए हैं, उनको जाकर देख लो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वैसे ही मैं यार नॉर्मल ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। तो बस यही था आज का वीडियो एंड ये पोस्टर आपको कैसा लगा जरूर बताना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, और भी ऐसे वीडियो चाहते हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद। We'll be right back.